Welcome to VL Memorial School. This channel is very important for all students. So click on subscribe button and press the bell icon for all notification. Good morning students. Today I shall teach you the English first, English reader for class 7th. Today I will teach you a very good story of Munshi Premchand which is in your book. The title of the story is The Crows and the Serpent, Kauwe aur Saanp. Iski kahani hai, ye panch tantra unki kitab Munshi Premchand ki unse li gayi hai jo aapke book mein hai. Chaliye hum isko padhe. Once upon a time a huge banyan tree grew on the outskirts of a village. बहुत समय पहले की बात है, एक बरगद का पेड़ बड़ा हुआ outskirts means बाहरी क्षेत्र में of a small village, एक छोटे से गांव के, अर्थात एक छोटे गांव के बाहरी क्षेत्र में एक बरगद का पेड़ बड़ा हुआ. A lot of animals and birds lived there happily. बहुत सारे चिड़िया और जानवर प्रसन्नता से इस पेड़ पर रहते थे. Among them, a pair of crow also lived with their young ones. इनके अलावा उसी पर एक जोड़ा कौवे अपने बच्चों के साथ रहते थे. All was going fine. सब कुछ अच्छा चल रहा था. One day, a snake came there and started to live in the hole at the bottom of the tree. एक दिन एक सांप आया और पेड़ के निचले हिस्से में एक होल में जो बिल होता है सांप का उसमें वो रहने लगा. When the crows saw him, they were not happy. जब कौवे ने उसको देखा वो प्रसन्न नहीं हुए. And the arrival of the snake, सांप के आने से कौवे प्रसन्न नहीं हुए. But they could do. They were helpless. लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो असहाय थे. After some days, कुछ दिनों के बाद, बच्चों आप देखेंगे कि हर लाइन में आपको हर शब्द का अंग्रेजी मिलता रहेगा. आप ध्यान से पढ़ें तो, अगर आप ध्यान से सुने तो आपको हर शब्द का आपको इंग्लिश का हिंदी ये मिलता रहेगा. After some days, कुछ दिनों के बाद, द फीमेल क्रो हैज़ फ्यू एग्स एंड सम बेबीज. जो मादा कौआ थी उसने कुछ अंडे दिए और वहाँ से कुछ बच्चे निकले. एज देयर रूटीन, जैसा कि नियमता वो करती थी. द क्रोज वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड. कौवे भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे. इन द मीन टाइम, उसी समय द स्नैक crawled up the tree and ate up all the young babies. वह सांप crawled up चुपके से ऊपर चढ़ा और सभी जो बच्चे थे कौवे के उनको खा गया. When the crow returned, जब कौवे वापस आए, they could not find their babies in the nest. वह घोंसले में अपने बच्चे को नहीं पाए. They searched everywhere, वह सब जगह खोजे. But did not find any of them. लेकिन उनमें से किसी को वो पा नहीं सके. The crows were full of grief. कौवे बहुत दुखी थे. On the loss of their babies, अपने बच्चों के खो जाने के से वे बड़े दुखी थे. But they could do nothing. लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे. The female crow, after a few months, has some more eggs. और जो मादा कौआ थी वो कुछ दिनों बाद फिर कुछ अंडे को दिया. This time they were alert. So they thought female crow stayed in the nest with babies while the male crow went out in search of food. उसने ये निर्णय लिया कि जब नर कौआ बाहर भोजन की तलाश में जाएगा तो मादा कौआ उन बच्चों की देखभाल करेगी. In the absence of male crow, the snake came out ऑफ इज होल. और इस नर कौवे के बाहर होने की स्थिति में फिर वह सांप
अपने होल से अपने बिल से बाहर निकला। ही वॉज हंग्री एंड ग्रीडी, वह बहुत भूखा था और लालची था। सो ही इग्नोर्ड द प्रेजेंस ऑफ फीमेल क्रो, इसलिए उसने जो फीमेल क्रो थी, मादा कौआ थी, उसके ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया। एंड क्रेप्ट अप द ट्री, और चुपके से पेड़ पर चढ़ गया। एंड अटैक द बेबीज, और उन बच्चों पे आक्रमण कर दिया। द फीमेल क्रो हु वाज कीपिंग ए वॉचफुल आई ऑन हर बेबीज, और वो मादा कौए जो बच्चों पे बहुत ध्यान से देख रही थी, ट्राइड टू सेव हर बेबीज, उसने अपने बच्चों को रक्षा करने की बहुत कोशिश की। एंड फॉट विथ ही स्नैक, और सांप से लड़ी भी, बट सी वॉज नॉट स्ट्रॉन्गर, लेकिन वो मजबूत नहीं थी देन द स्नैक, सांप से ज्यादा वो मजबूत नहीं थी। हियरिंग द सिर्क ऑफ द फीमेल क्रो, सिर्क पक्षियों के बोलने की आवाज को बोलते हैं, जो विशेष टोन में वो बोलती हैं, उनको सिर्क बोला जाता है। उसकी पक्षियों की या पक्षी की आवाज को सुन करके फीमेल क्रो के, उस मादा कौवे के, अदर क्रोज फ्लू टू हेल्प हर, सभी कौवे उसके पास उड़े, उसके पास जाने के लिए उड़े। बट द स्नैक क्रो हैड ऑलरेडी ईटन द बेबीज एंड हिडे इन टू द होल, लेकिन वह सांप सभी बच्चों को खा चुका था और फिर वापस अपने होल में छुप गया। एंड इट कंटिन्यूड एवरी टाइम द क्रो लेड हर देयर एग्स, द स्नैक क्रूड अप स्लेटली एंड एट ऑल द यंग वंस, और हमेशा ही होता रहा कि जब वो बच्चे देती, सांप चुपके से जा करके उन बच्चों को खा डालता था। बिकॉज ऑफ दिस रूटीन द क्रोज कुड नेवर रेज देयर यंग वंस, और इस तरह से उनके बच्चे कभी बड़ा नहीं हो पाए। दे वर सैड, वे बड़े दुखी थे, बट डिड नॉट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ द किलर, लेकिन वह इससे कैसे गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, किस तरह से इससे छुटकारा पा सकें, यह बात वो नहीं जानते थे। वन डे, एक दिन, द फीमेल क्रो टोल्ड द मेल क्रो, उस मादा कौवे ने नर कौवे से कहा, दैट शी वॉन्टेड टू लीव द ट्री एंड लिव ऑन अनदर ट्री वेयर देयर इज नो डेंजर लाइक दिस, कि हम लोग इस पेड़ को छोड़ करके किसी और पेड़ पर जाके बसते हैं, जहाँ हमें किसी जहाँ पे हमें कोई खतरा नहीं होगा। द मेल क्रो सेड हर कंसोलिंग दैट द ट्री हैड बीन देयर होम फॉर द फर्स्ट मेनी ईयर्स एंड दे हैड बीन रेजिडिंग हियर, लेकिन नर कौवे ने कहा, यह पेड़ हम पिछले कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और यही हमारा घर है। ही कंसिडर्ड अ पास्किंग ए वाइस फॉक्स, उसने राय दिया कि हम एक चतुर लोमड़ी से इस विषय में चल के बात करें और उसकी सहायता मांगें, जिससे कि हम सांप से छुटकारा पा सकें। बोथ ऑफ देम वेंट टू द वाइस फॉक्स, दोनों एक चतुर लोमड़ी के पास गए। ही वेलकम्ड देम एंड सेड, उसने उनका अभिवादन किया और कहा, यू सीम टू बी वेरी सैड, आप लोग बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, व्हाट हैपेंड विथ यू, आपके साथ क्या हुआ है। द क्रो रिप्लाइड, कौवे ने उत्तर दिया, वी आर फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम नाउ इट इज, आजकल हम एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। द मैटर इज दिस दैट ए स्नैक इज लिविंग इन होल एट द बॉटम ऑफ द बनियन ट्री ऑन विच वी लिव, जहाँ हम रहते हैं उसी के निचले हिस्से में एक सांप भी रहता है। द स्नैक इज आफ्टर अस एंड ही ईट्स अप आवर एग्स एंड आवर बेबीज, और हम लोगों के बाद में यह सांप हमारे अंडे को और बच्चों को खा डालता है। वी हैव कम टू यू टू सीक आवर हेल्प, हम अपने सहायता की तलाश में आपके पास आए हैं। दिस वे दे नरेटेड द होल स्टोरी, इस तरह से उसने लोमड़ी को ये पूरी कहानी बताई। द फॉक्स वॉज इंटेलिजेंट, लोमड़ी बहुत ही इंटेलिजेंट थी, होशियार थी, चालाक थी। ही थॉट फॉर ए व्हाइल, उसने कुछ समय के लिए सोचा, एंड देन टोल्ड, और फिर कही, ए ब्रिलियंट प्लान बिफोर देम, एक बहुत ही होशियारी भरा एक योजना उनको बताया। ही सेड, उसने कहा, आई हैव मेड ए प्लान टू गेट रिड ऑफ द स्नैक, हमने एक योजना बनाया है जिससे सांप से छुटकारा मिल सके। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो,
एंड डू एज आई से, और वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। इन द मॉर्निंग गो टू द रिवर बैंक वेयर यू विल फाइंड सम लेडीज ऑफ रॉयल फैमिलीज बाथिंग। आप सुबह सुबह जा करके नदी के पास जाइए, वहाँ आपको कुछ शाही परिवार के लोग नहा रहे होंगे। ड्यूरिंग बाथिंग, नहाने के ही समय, नहाते के दौरान, दे लीव देयर ऑर्नामेंट ऑन ए क्लोथ ऑन द रिवर बैंक। वो अपने सभी ऑर्नामेंट्स जो हैं, आभूषण, वह नदी के तट पे ही निकाल देंगे। मीनवाइल द गॉड्स कीप ए वॉच ऑन देम फ्रॉम ए डिस्टेंस। इस दौरान उनका जो सुरक्षा गार्ड है, उनका रक्षक, वह उसका थोड़ी दूरी से उनका निरीक्षण करता रहेगा। द फॉक्स टोल्ड हिज प्लान दैट वन ऑफ देम पिक अप ए नेकलेस ऑफ ऑर्नामेंट एंड फ्लू अवे मेकिंग ए लाउड नॉइज सो दैट द गार्ड्स मे बी अलर्ट। और इस तरह से आप उसको लेकर के, आप में से कोई एक जो नेकलेस है, गले का हार, वो लेकर के उसमें से उड़ेगा, और इस तरह से उड़ेगा कि जो गार्ड है वह अलर्ट हो जाए। देन दे विल चेस यू टू द ट्री, और इसके बाद वो आपका पीछा उस पेड़ तक करेगा, उस पेड़ तक आपका पीछा करेगा वेयर द क्रो वुड ड्रॉप देयर नेकलेस इनटू द होल ऑफ हिज नेक। और फिर आप उस नेकलेस को उस सांप के बिल में वहां पे गिरा दें। इन द ऑर्डर टू गेट द नेकलेस द गॉड्स वुड किल द स्नेक टू सेव देमसेल्फ। और इस तरह से अपने नेकलेस को पाने के लिए, हार को पाने के लिए, वो गार्ड्स उस सांप को मार डालेंगे। टू टेक बैक द नेकलेस, उस नेकलेस को पाने के लिए। द क्रोज लाइक द प्लान एंड प्रॉमिस टू डू एज द फॉक्स सेड। और कौवे ने इनसे ये वचन दिया, वादा किया कि वो जैसा कहे हैं वैसा ही करेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द क्रोज वेयर रेडी, अगले दिन सुबह कौवे तैयार थे। द क्रोज कपल्ड फ्लू टू द रिवर बैंक वेयर दे फाउंड सम लेडीज बाथिंग एंड द रिवर ऑर्नामेंट वेयर लाइंग ऑन द क्लोथ नियर बाई द फीमेल। उन्होंने देखा, रिवर बैंक पे गए, नदी के किनारे कुछ औरतें उसमें नहा रही हैं, जो अपने आभूषणों को अपने कपड़ों के पास ही छोड़ी हुई थी। द फीमेल ग्रुप पिक्ड अप ए नेकलेस इन हर बीक एंड फ्लू ऑफ। जो मादा कौवी थी, उसने हार को अपने चोंच में दबा करके वह उड़ गई। व्हाइल द मेल फाइल द मेल क्रो श्रीक लाउडली टू अट्रैक्ट द गार्ड। जबकि जो नर कौवा था, वह पक्षियों की आवाज़, कौवे की आवाज़ में उसने उस गार्ड को अलर्ट किया कि हम नेकलेस लेके उड़ रहे हैं, ऐसा उसने अलर्ट किया ताकि उसका ध्यान उसकी तरफ आए। हियरिंग द श्रिक एंड सीइंग द क्रो फ्लाइंग विथ ए नेकलेस, ऐसा सुन करके और देख करके कि कौवा उनकी हार को लेकर के उड़ रहा है, दे रैन आफ्टर द क्रोज, वे कौवे के पीछे दौड़े। विथ देयर स्टिक एंड स्वॉर्ड्स, अपने तलवार के और अपनी छड़ी को लेकर के कौवे के पीछे दौड़े। सून दे रीच्ड द बनियान ट्री, जल्दी ही उस बरगद के पेड़ के पास वो पहुंच गए, वेयर दे सॉ द क्रो ड्रॉपिंग द नेकलेस इनटू द स्नेक होल। उन्होंने वहां देखा कि सांप के एक बिल में उन्होंने उस हार को वहां पे गिरा दिया है। व्हेन द गॉड्स ट्राइड टू टेक द नेकलेस आउट विद द हेल्प ऑफ स्टिक, जब वो अपनी छड़ी के सहायता से उस हार को निकालने की कोशिश कर रहे थे, द स्नेक केम आउट ऑफ द होल, तब सांप अपने होल से बाहर आया। द स्नेक हिस्ट एट देम टू स्केयर, सांप ने अपनी फुफकार उनको डराने के लिए किया। सो दे हैड टू किल द स्नेक, इसलिए उनको अब सांप को मारना ही था। विथ स्टिक एंड स्वॉर्ड टू टेक बैक द नेकलेस, अपने हार को वापस प्राप्त करने के लिए उनको सांप को मारना ही था। टेकिंग द नेकलेस द गॉड्स रिटर्न टू द पैलेस, हार को लेकर के वो सुरक्षा गार्ड सभी अपने राजमहल में वापस आ गए। द क्रोज वेयर हैप्पी, कौवे बहुत खुश हो गए, टू सी द होल मैटर फ्रॉम ए डिस्टेंस, ये सभी दूर से ये सारी कहानी वो कौवे देख रहे थे। दे थैंक द फॉक्स फॉर हिज हेल्प, उन्होंने लोमड़ी को
इस सहायता के लिए धन्यवाद दिया। देन द क्रो कपल लिव्ड हैप्पीली विद देयर यंग वंस, और वो जो जोड़े थे कौवे के जोड़े प्रसन्नतापूर्वक अब वो रहने लगे अपने बच्चों के साथ, बिकॉज नो नाउ अदर वॉज नो डेंजर, अब देयर वॉज नो डेंजर, अब वहाँ किसी प्रकार की कोई भी खतरा नहीं था। तो बच्चों, आपने ये पंचतंत्र से ली गई कहानी द क्रोज एंड द सर्पेंट, कौवा और सांप की ये कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित आपको पढ़ाया गया। क्योंकि आपके पास बुक्स अभी नहीं हैं, इसलिए एक चैप्टर वर्बली आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। जल्दी ही आप कोशिश करें कि चाहे ऑनलाइन या स्कूल पे आकर के आप किताब को ले सकते हैं, और जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। ओके, थैंक यू।